मस्जिद सभा में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए मैं और राहुल बाबू और जितने भी लोग हैं, लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसका हम स्वागत करते हैं। चुनाव जरूर लड़िए, लेकिन पार्टी का भी नियम कायदा होता है और पार्टी ने इस बार जो फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी का विरोध करने का काम करेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सोचेगा नहीं, पूरी तरीके से कार्रवाई करेगा। एक बार पहले भी उन्होंने डिवोर्स देने की बात कही थी, चले भी गए थे। ये तो लालू जी का बड़ा दिल था जो फिर से अपनाने का काम किया। क्यों गए थे, क्या कारण था, चुनाव हारने के बाद ही गए थे? 6 बार पार्टी लगातार मौका देती रहेगी, चुनाव लड़े, कई बार जीते, कई बार हारे, 4 बार जीते, तो इसमें हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। अगर कोई सोच ले कि उसी का ठेकेदारी है कि हर बार ठेका उसी को मिलेगा चुनाव लड़ने का, चाहे एक जगह की बात है, हर जगह की बात है, तो ये गलत फहमी में लोग हैं। अब जो भी पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा या छोड़ करके जाएगा, उसका दोबारा पार्टी में आना 6 साल तक तो सोचा ही नहीं जाएगा। 6 साल बाद विचार किया जाएगा कि इसको लेना भी है कि नहीं। लेकिन सर एक मिनट, महागठबंधन तो मधुबनी में जो है वहाँ भी शकील अहमद कर दिए, महागठबंधन में भी तक तय नहीं हो पाया क्या? शकील अहमद भी वहाँ से नॉमिनेशन कर दिए पार्टी से छोड़ के, बीजेपी का करंट सांसद से भाग रहा है उसमें, बड़े अच्छे। आप लोकतंत्र ना, पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा चुनाव, और जिसको नहीं मिलेगा तो वो उसका अपना है, जान लड़ना चाहे लड़े। सभी पदों से इस्तीफा दिया तो एक्सेप्टेबल माना जाए क्या? अच्छी बात है, एक्सेप्ट करेगा पार्टी, कौन कौन उनको मनाने कौन जाएगा? समझदार व्यक्ति वो होता है ना जो पार्टी का बुरा से बुरा वक्त में भी काम आए, तो जो बुरे वक्त में काम नहीं आएगा वो पार्टी का। 18 तारीख तक समय दिया पार्टी को उन्होंने, सर बोला 18 तारीख तक समय दिया, 18 तारीख पार्टी हमारे बारे में सोचे। कितना बार चुनाव लड़े और पार्टी ने क्या किया? मंत्री नहीं बनाया, मंत्री बनाया, और कितनी बार चुनाव लड़े, हर बार चुनाव लड़े। हम तो जब से होश संभाले तब से वही दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तय है कि अब उनको कोई नहीं लड़ रहे हैं। तो एक ही आदमी को पार्टी देखती रहेगी कि औरों को भी देखेगी? अच्छा, एक गठबंधन भी देखेगी पार्टी? निश्चित रूप से गठबंधन नहीं देखेगी। सर एक बात, मुजफ्फरपुर मधुबनी कुछ कहेंगे दरभंगा? हम तो बधाई दे चुके हैं उनको, जन्मदिन की बधाई, हम जाके प्रचार खत्म हो तो शाम में मिलेंगे।